Himalaya Quista Pro has superior protein way. The healthy way to fitness. उपचुनाव नगर यूं रखा गया सर, ये चौथा उपचुनाव है जी, जिससे जनता की कमर टूट रही है बार बार चुनाव होने से। हम ये चाहते हैं एक नुमाइंदा चुने, वो 5 साल विकास करे और जनता का विकास करे, लेकिन ये तो एक नाटक बन गया। जब देखो चुनाव, जब देखो चुनाव। इस चुनाव का कसूरवार हम आजम खान को मानते हैं। क्यों? आजम खान ने एक बात सुनो, बार बार उन्होंने अपनी तानाशाही दिखाई और बार बार उन्होंने एक बात सुनो, सीट जीतने की एक बहस रखी कि मैं जीत के दिखाऊंगा। ये पता नहीं है कि 100 रुपये भी घर लेके जाएंगे या नहीं। अच्छा, सरकार जो है रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जो है हमने इसलिए इसका उपचुनाव नगर नाम रखा है। नमस्कार, मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम खड़े हैं जजेस रोड पर। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन बैनर के तले एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश के जनपद उपचुनाव नगर रामपुर में आपका स्वागत है। इस कॉलोनी के लोगों ने ये बोर्ड, ये होल्डिंग क्यों लगाया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव नगर इसका नाम क्यों रख रहे हैं, किस लिए होल्डिंग ये लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं किसान नेता हूँ रामपुर से। जी जी, ये उपचुनाव नगर क्यों रखा गया है? उपचुनाव नगर यूँ रखा गया सर, ये चौथा उपचुनाव है जी, जिससे जनता की कमर टूट रही है बार बार चुनाव होने से। हम ये चाहते हैं एक नुमाइंदा चुने, वो 5 साल विकास करे और जनता का विकास करे, लेकिन ये तो एक नाटक बन गया। जब देखो चुनाव, ये टैक्स के पैसे से चुनाव होता है, बार बार चुनाव हो रहा है, तो ये सब जनता के ऊपर ही तो महंगाई का बोझ पड़ रहा है। भाई साहब, इस चुनाव का कसूरवार किसे मानते हैं आप? इस चुनाव का कसूरवार हम आजम खान को मानते हैं। क्यों? आजम खान ने एक बात सुनो, बार बार उन्होंने अपनी तानाशाही दिखाई और बार बार उन्होंने एक बात सुनो, सीट जीतने की एक बहस रखी कि मैं जीत के दिखाऊंगा। बार बार वो इस्तीफा देते हैं और चुनाव करते हैं। अब तो उन्हें कोर्ट ने सजा दी है, ये जो उपचुनाव है कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, अयोग्य ठहरा दिया, इस वजह से उपचुनाव हो रहा है, ये चौथा उपचुनाव है। इस वजह से हमने जनपद रामपुर का नाम उपचुनाव नगर रखा है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि इस रामपुर का नाम उपचुनाव नगर रख दिया जाए। अच्छा, आप किसी जो कैंडिडेट आएगा समाजवादी पार्टी से, अगर उनके परिवार से होगा तो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नहीं, परिवार से होगा तो फिर कोई ना कोई सजा हो जाएगी या कोई मुकदमा लग जाएगा, फिर कोर्ट उन्हें अयोग्य ठहरा देगा, फिर उपचुनाव होगा। तो उनके परिवार से हटके कोई सही व्यक्ति, ढंग का व्यक्ति जो रामपुर का 5 साल विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतार देना चाहिए। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत। जोर से बोलिए। रियासत भाई, आपने अपने कॉलोनी के बाहर ये होल्डिंग लगाया है जिसमें लिखा है उपचुनाव नगर में रामपुर में आपका स्वागत है, ये उपचुनाव नगर क्यों रखा गया? उपचुनाव नगर यूँ रखा गया भैया, बेर बेर जो चुनाव होते हैं ये अच्छे थोड़ी हो, जनता के लिए परेशानी है। अच्छा, अब हम तो ये कह रहे हैं अगर कोई भी अगर सांसद आए उतर के, तो ऐसा आए जो को 5 साल तक मतलब सरकार चलाए, हमारा और क्या हुआ। हम तो यही है कि जब देखो तो एक चीज़ ये तो ये महंगा हो गया, ये चीज़ महंगाई अब हमारे ऊपर ही तो पड़ रही है। अगर आजम खान के परिवार से फिर कोई खड़ा हुआ तो क्या सोच रहे हैं? तो उनके तो हर बार मतलब ऐसा है जो सीट जीत के आएंगे और उसके बाद में फिर चुनाव उनके योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ कोई ना कोई केस लगा के फिर अंदर करेंगे, तो अब उनके तो फिर सांसद दूसरा बनाना पड़ेगा, फिर उसका भत्ता जो पड़ेगा किसके ऊपर पड़ेगा, जनता के ऊपर ही तो पड़ रहा है। तो क्या सोचते हैं आप इससे? तो अगर कोई दूसरा आदमी अगर खड़ा हो भला, तो जनता के लिए कोई अच्छा ही करे, तो वो चुनाव पे खड़ा हो बस। जी चाचा, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? नबी अहमद। नबी अहमद, क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। ये आपने अपनी कॉलोनी के बाहर जो होल्डिंग लगी है, उपचुनाव नगर में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे साहब? ये बार बार चुनाव होते हैं और इससे जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, और हम जब सुबह को घर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि 100 रुपये भी घर लेके जाएंगे या नहीं। अच्छा, सरकार जो है रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जो है हमने इसलिए इसका उपचुनाव नगर नाम रखा है। तो इसका कसूरवार कौन उपचुनावों में, इसका बार बार चुनाव जो होना है, इसका कसूरवार ये नेता लोग हैं, जैसे कि आजम खान हो गए। अच्छा, और बाकी इसका कसूरवार तो सरकार भी है, क्यों कराती है बार बार चुनाव। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे नहीं होना चाहिए उपचुनाव, या तो फिर अगर उपचुनाव होते हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हो इसमें। अच्छा व्यक्ति खड़ा हो। क्या नाम है आपका?
मैं बोल क्या नाम बताइए तो मेरा मोहम्मद फहीम है। अच्छा फहीम है, ये बताइए कि उपचुनाव नगर रखा है तो क्यों रखा गया बार बार ये? भाई ये बार बार इसने रखा गया, ये बार बार चुनाव हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? हाँ बस एक बार होना चाहिए पाँच साल में, मतलब एक मरतबा। अच्छा तो इसलिए रखा गया उपचुनाव? जी 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 बस। तो इसका कसूरवार कौन है भाई? कसूरवार यही है, नेता लोग हैंगे कि इसमें कोई ना कोई मतलब गलती होती है किसी नेता से तो बार बार जो है चुनाव मतलब हो रहे हैंगे। अरे एक बार होना चाहिए, पाँच साल में एक आदमी बैठना चाहिए एक बार। जी जी जी। क्या नाम है? मुझसे ना बोला जाएगा। जी क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। जी क्या करते हैं? रेड को खेतान में काम करते हैं, मजदूर आदमी है। ये उपचुनाव नगर रखा है, क्यों रखा है नाम इस कॉलोनी का? रामपुर का। जी अब क्यों रखा है? हम तो यहाँ का रहने वाले हैं नहीं। जी जी अभी मान लीजिए भाजपा का सरकार चल रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है यहाँ का पूरा हमको जानकारी है नहीं। जानकारी नहीं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ज्यादा प्रॉब्लम है। ज्यादा प्रॉब्लम? हाँ। बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए? बार बार चुनाव होने नहीं चाहिए। अच्छा अब मान लीजिए चुनाव कभी उपचुनाव हो रहा है, कभी उपमंडल चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार हर चीज में देख रहा हूँ कि गुंडागर्दी से लेके मान लीजिए मजदूर से लेके किसी को भला एक कर नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपना ही सोच रहा है, अपने ही बारे में जो भी है प्रॉब्लम। हम तो राजनीति में रहते हैं, अपना काम करने वाले आदमी है, कि जो भी प्रॉब्लम है ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा आखिरी लाइन में क्या कहेंगे चुनाव को? हम आखिरी लाइन में यही कहेंगे साहब कि ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव के विरोध में हम जो है बराबर काम करते रहेंगे। और हमने रामपुर का नाम जो रखा है बिल्कुल अपने सही शब्दों में ठीक सोच समझ कर रखा है। आप ही बताइए, आप मीडिया से हैं, क्या ये नाम हमने गलत रखा है? उपचुनाव नगर नाम होना चाहिए। बार बार उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे, ये कहाँ का तरीका है? जनता का विकास चाहते हैं हम, विनाश नहीं चाहते। सही बात। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने लोगों से बात की जिन्होंने आपके सामने अपनी राय रखी, उपचुनाव नगर क्यों रखा, सारी बात उन्होंने तफसील से बताई। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।